नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मेवात के नूह में एक डीएसपी पर डंपर चढ़ाकर खनन माफिया ने हत्या से राजनीति की ओर गर्मा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह सूचना मिलने पर जब अवैध पत्थर से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश करने के लिए पहुंचे तो खनन माफियाओं के आदमी ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया। हरियाणा पुलिस ने जगह जगह छापी मारी करके एक आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया और दूसरे की तलाश लगातार जारी है। इस मामले में बचाव की मुद्रा में हरियाणा सरकार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है और डीएसपी सुरेंद्र सिंह के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस ने खनन माफिया को संरक्षण का आरोप लगाते हुए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से मामले की जांच की मांग उठाई है। मेवात के नूह में तावड़ू में तैनात डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को सुबह 11 बजे पहाड़ियों में अवैध खनन की सूचना मिली। वो आधे घंटे के भीतर मौके पर अपनी पुलिस टीम के साथ छापा मारने पहुंचे। उन्हें देखते ही खनन माफिया भागने लगे, लेकिन डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने अवैध खदान पत्थर से भरे एक ट्रक को रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से माफिया के गुर्गों से डीएसपी की बहस हो गई। इसी बीच खनन माफिया ने उन्हीं पर डंपर चढ़ा दिया और डीएसपी सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। आईजी और नूह के एके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। ये 12:10 पर ये घटना हुआ था। शायद डीएसपी साहब को ये सूचना मिला यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही, फिर वो अचानक चेकिंग के लिए आया, फिर उनको गाड़ी यहाँ रुक कर वो चले गया वो गाड़ी देखने के लिए। और इसका टाइम में पीछे से एक डंपर आया, डंपर आकर अनलोडिंग करता हुआ इसको टक्कर मारता हुआ आगे निकले। सुरेंद्र सिंह के परिवार में 2 बच्चे हैं, वो इसी साल रिटायर होने वाले थे। आते वहाँ से जब भी आते ना आते ना दो के जब सबसे पहले वहाँ जाना था। सर आप उनके भाई हैं, कुछ बातचीत हुई थी, कुछ बोला था आने के लिए कब आएंगे? बोला नहीं, सुबह से घरेलू बातें होती रहती थी, आज भी सुबह बात हुई थी, पारिवारिक बात तो होती रहती थी जी। बाकी ऐसे को आने जाने भी पीछे पोते बीमार थे, जब भाई साहब 2 दिन छुट्टी एसपी साहब से लेके आए थे, एडमिट था पोता, तो उसके बाद में फिर चले गए। फिर अगली वीक तो शायद मैं नहीं आऊँगा क्योंकि दिक्कत होती दूर छुट्टी की, अगली वीक देखूंगा क्या पता भगवान में क्या मंजूर। रिटायरमेंट भी भाई साहब सर की नजदीक थी, रिटायरमेंट इसी साल। खनन माफिया के इस वारदात से हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे राज्य सरकार की नाकामी बताया। नूह में जो एक डीएसपी का खनन माफिया ने जो मर्डर किया है, बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक घटना है और प्रदेश के लिए एक अलार्मिंग हुआ है कि जो कानून व्यवस्था हमारी कहाँ पहुंच गई। आज न विधायक अपने आप में सुरक्षित महसूस करे, उनको भी पीछे धमकियां मिली थी, हम राज्यपाल जी को मिले थे दिया था, न पुलिस अपने आप में सुरक्षित है महसूस कर रही है, आम आदमी कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। आज परिस्थिति ये हुई है हरियाणा में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। हरियाणा की कानून व्यवस्था की स्थिति का जनाजा निकल चुका है। आज पूर्णतः हरियाणा की सरकार विफल हो गई है और अपराधी दंदनाते घूम रहे हैं, कहीं खनन माफिया घूम रहा है तो कहीं संगठित गैंगस्टर, बड़े बड़े गैंगस्टर्स और बड़े पैमाने पर संगठित अपराध हरियाणा के अंदर एंटर कर चुका है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, आज हरियाणा के 5-5 विधायकों को पिछले 10 दिन में जान से मारने की धमकी दी गई है और सरकार इस पे ना तो दोषियों का पता कर पा रही, ना उन विधायकों को अपने सुरक्षित माहौल वातावरण दे पा रही है, तो आज आम जन का क्या होगा। कई दोषियों के खिलाफ सजा हो, लेकिन हरियाणा सरकार भी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। मुख्यमंत्री जी स्वयं जिम्मेदारी लें और श्वेत पत्र हरियाणा के कानून व्यवस्था पर जारी किया जाए सरकार के द्वारा, मैं मांग करता हूँ। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी सोनीपत में अवैध खनन करने वाले गिरोह ने स्पेशल एनफोर्समेंट टीम पर जानलेवा हमला बोला था। इन लोगों ने एक सिपाही को पीट पीट कर अधमरा भी कर दिया था और एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी फाड़ और आरोप लगाया कि खनन माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है। सीधे सीधे सरकार में बैठे सफेद पोशों अधिकारियों का गठजोड़ हरियाणा के माइनिंग माफिया से है। हमारी ये मांग है कि इस माइनिंग माफिया में हमारे एक डीएसपी की दर्दनाक हत्या की जांच
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सिटिंग जज से करवाई जाए और बाकायदा उसमें सरकार में किस सफेदपोश का माइनिंग माफिया से गठजोड़ है इस तथ्य की, इस पहलू की जांच भी हो और अगले 30 दिन में रिपोर्ट सामने आए, दोषियों को सजा मिले। वहीं हरियाणा सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई है। राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने भरोसा दिया है कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद के साथ उन्हें शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया है। वीर सैनिकों को हमेशा ऐसे मामलों में सबका मनोबल बढ़ाने के लिए भी अपने आप को भी प्रस्तुत करना चाहिए और उस परिवार की भी जिसकी क्षति हुई है उसके साथ भी खड़े हैं। डीजीपी साहब से मैंने बात की है तो हमारी जो अलग अलग योजनाएं हैं उन योजनाओं में एक योजना तो पुलिस की अपनी योजना है जिसके अंतर्गत हम सरकार की ओर से उसको कुछ मॉनिटरी कुछ योगदान करते हैं उनके परिवार के लिए। तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सर उसको सहायता के लिए देंगे और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। लेकिन इस वारदात को लेकर सरकार और विपक्ष में ठनी रार, जल्द थमने के आसार कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो हरियाणा के मेवात का पूरा मामला है। आपको बता दें कि मेवात के नू में हुई वारदात और डीएसपी सुरेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। पत्थरों से भरे ट्रक को रोकने की कोशिश डीएसपी कर रहे थे। कई जगह छापेमारी के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इतने भर से क्या काम हो जाएगा? क्या इतना भर काफी है? क्यों आखिर अधिकारी अब सुरक्षित नहीं है? इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शबनम पांडे जी मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। बहुत स्वागत है शबनम जी आपका। जया ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, प्रवक्ता है कांग्रेस की। जया जी बहुत स्वागत है आपका भी। वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व IPS है, बहुत स्वागत है सर आपका। प्रियंका गांगुली जी इस वक्त हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता है। प्रियंका जी आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम वेद भूषण साहब आपसे करते हैं। सर किस तरह से इस पूरे वारदात को आप देखते हैं, कैसे मापते हैं आप इस पूरे वारदात को? क्योंकि अगर डीएसपी जाते हैं अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए, उन पर डंपर चढ़ा दिया जाता है, फौरी तौर पर अगर आप देखें, प्राथमिकता के तौर पर अगर आप देखें, किसकी गलती, कहां पर खामियां, कहां पर कमियां आप देखते हैं? सर आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रही। सर आप देखिए आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, रखिए अपनी बात। हाँ देखिए, नेहा क्रिमिनल्स का और पॉलिटिशियंस का एक बहुत बड़ा गठजोड़, ये पहला मौका नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में आया है। आपको याद होगा कोयला घोटाला, जिसको लेकर तमाम तरह की कोर्ट में प्रतिक्रिया आई, किस तरह से एक नेक्सस पूरे हिंदुस्तान में काम करता है। ये हरियाणा मेवात का एक ऐसा इलाका है जहाँ क्रिमिनल्स इतने हावी है, हमेशा से रहे हैं, चाहे वो हत्या से संबंधित मामले हों और चाहे माइनिंग से रिलेटेड इश्यूज हों। मध्य प्रदेश के अंदर माइनिंग एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है, वहां पर SDM तक को जम्पर से और ट्रैक्टर से कुचल दिया गया है जो कि एक IAS ऑफिसर थे। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं, वारदातें हैं, कहीं ना कहीं इंडिकेशन करती हैं कि ये जो गठजोड़ है इसमें चूंकि पैसा बहुत इन्वॉल्व है, यमुना जहां से निकलती है और जहां खत्म होती है, पूरे हिंदुस्तान जहां जहां से यमुना गुजरती है रेत का एक बहुत बड़ा माफिया काम करता है, इसी तरह पत्थर का माफिया है, इसी तरह कोयले का माफिया है। क्योंकि माइनिंग जो जमीन जिसके अंदर सोना बोलो आप पत्थर को या पत्थर बोलो, वो एक ऐसी लग्जरी है तमाम एक वर्ग के लिए, तो उसके अंदर तमाम पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं है बल्कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स इन्वॉल्व है। क्योंकि एक जो बड़े क्रिमिनल्स है उनके लिए एक बहुत अट्रैक्टिव एक चीज रहा है। आपको याद होगा गुजरात के अंदर सोहराबुद्दीन जो बॉर्डर महाराष्ट्र के ऊपर थे, वो भी पत्थर से जुड़ा हुआ मामला था, वो भी उस एरिया के अंदर ऑपरेट करते थे। इस तरह का एलिगेशन लगाया जाता रहा है। तो जहां पैसा है, पॉलिटिशियन है और पुलिस भी है और तमाम जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं गठजोड़, कई तरह के गठजोड़ इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आए हैं और ये इसी का एक उदाहरण आपके सामने आया कि किस तरह से एक डीएसपी को
कुचलकर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने एक्शन लेने की कोशिश की, ठीक है सर, ठीक है, कुचलकर उनको समाप्त कर दिया। ठीक है शबनम जी, मैं सीधे रुख आपका कर लेती हूँ। अभी आपने सुना वेद भूषण जी को कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियंस का ये जो गठजोड़ है ये कहीं ना कहीं ताकत बढ़ाता है क्रिमिनल्स की, और यही वजह है कि इस तरह की वारदातें होती है। इससे इनकार किया जा सकता है क्या मेवात की घटना को देखते हुए? नेहा जी, ये पूर्व आईपीएस रहे हैं, शायद इनका अनुभव ऐसा कहता है, लेकिन आज जिस तरीके से हरियाणा में सरकार है, लगातार खनन के विरोध में सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है। अब खनन नहीं के बराबर होता है, लेकिन जब कभी भी सूचना मिलती है तो पुलिस अधिकारी जाके वहां पे खनन को रोकने की प्रयास करते हैं, और शायद यही वजह है कि वो रोकने गए थे और इस तरह की दुर्घटना हुई है। निश्चित तौर पे परिवार के साथ हमारी संवेदना है, लेकिन सरकार उन आरोपियों को बख्शेगी नहीं। जल्द से जल्द गृह मंत्री जी ने कहा है, आसपास के जिले नहीं, मैम आपकी सरकार है, आपका राज्य, आपकी सरकार, और वहां पर इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, उस वक्त वहां पर अपराधियों में इतना खौफ नहीं है कि अगर इस तरह की वारदात या पुलिस के अधिकारी के ऊपर डंपर चढ़ा दिया जाएगा तो फिर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा? ये खौफ तो कहीं ना कहीं होना चाहिए, ये खौफ क्यों नहीं है अपराधियों में? देखिए, ये खौफ अपराधी पकड़े जाएंगे इस बात को कह रहे हैं, लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि लगातार ऐसी घटनाएं घटती हैं, लेकिन अगर जब कभी भी ये घटना होती है, अगर आरोपियों को बख्श दिया जाए तो निश्चित तौर पे उनके मन से खौफ निकल जाएगा। पर बार बार गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सभी लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाएगा। एक आरोपी पकड़ा भी गया है जैसा मुझे सूचना मिली है, और अन्य आरोपियों को भी ढूंढने का काम पुलिस कर रही है। निश्चित तौर पे ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप और हम सभी जानते हैं समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इस तरह की हिमाकत करते हैं, पर उनकी जगह सलाखों के पीछे है। नहीं 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 मैम, नहीं मैम, शबनम जी, शबनम जी, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सोनीपत में अवैध खनन करने वाले गिरोह ने स्पेशल इन्फोर्समेंट टीम पर जानलेवा हमला किया था। इन लोगों ने एक सिपाही को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था और एक सब इंस्पेक्टर की वर्दी तक फाड़ दी थी। अब बताइए, ये हौसले बुलंद हो रहे हैं क्रिमिनल्स के? देखिए, ये ऐसा नहीं है कि हमारे राज्य में ये बुलंद हो रहे हैं। इस तरह की घटनाएं पूर्ववर्ती सरकारों में भी होती रही है, लेकिन हमारे तो सरकार आप, के आप समय में और बाकी सरकारों में क्या अंतर है? ये घटनाएं कम हुई है, सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है और अभी भी सरकार पूरी तरीके से एक्शन में है। ऐसे लोगों को कहीं भी तवज्जो नहीं दिया जाता है और ना समर्थन दिया जाए। ठीक है जय जी, क्या ये कह के कि देखिए पूर्ववर्ती सरकारों में भी इस तरह की वारदातें होती रहती थी, अपनी जिम्मेदारियों से तिश्री किया जा सकता है क्या? लगता है ये साफ पल्ला झाड़ने वाली बात है। ये किस तरीके से कह सकते हैं कि इस तरीके की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, एक व्यक्ति की सरासर मौत हो जाती है, और इस चीज का बिल्कुल इससे कनेक्शन है कि पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व होगा और निश्चित रूप से कोई बड़ा व्यक्ति इन्वॉल्व होगा, अदरवाइज इतनी हिम्मत नहीं हो सकती किसी की कि वो पुलिस वाले पे डंपर चढ़ाकर चला जाए। तो क्या ये आंसर देना चाहेंगे कि इसमें कौन पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है? क्योंकि जितना मैंने देखा है, एक पॉलिटिशियन रहता है, उसका कोई भाई, भतीजा या चाचा माइनिंग्स के काम करते हैं, खुद सामने ना आके उनके थ्रू होता है और इन्हें पूरा प्रोटेक्शन होता है। अगर इन्हें कहीं रोका जाता है तो एक कॉल जाता है, उसके बाद इनकी गाड़ी आगे जाती है। एक व्यक्ति अगर सही तरीके से काम कर रहा था तो उसे सरासर कुचल दिया जाता है। तो यहाँ प्रशासन क्या कर रहा था, सो रहा था क्या? शबनम जी, देखिए जिस तरीके से कह रही है कि मैंने देखा, हो सकता है इनकी सरकारों के समय का इनका अनुभव रहा हो और वो अपने अनुभव के आधार पर कह रही है, लेकिन मैं बहुत ही मजबूती के साथ इस बात को कह रही हूँ कि कोई भी आरोपी बच्चा नहीं, जिसने ये हिमाकत की है उसे हमेशा याद रहेगा कि अब उस और उस तरीके की मानसिकता रखने वालों को कि वो बख्शे नहीं जाएंगे, वो सलाखों के पीछे रहेंगे। अगर सरकार नहीं, एक वारदात होती है उसके बाद भी अगर दूसरी वारदात हो जाती है तो यानी कि ये बताता है कि कार्रवाई करने, नहीं नहीं ये बताता है कि लगातार जो वारदातें हो रही है उसमें ना ही पुलिस प्रशासन का खौफ है, बल्कि अब तो पुलिस भी सुरक्षित नहीं है। जय जी कुछ कहना चाहते हैं? जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर प्रियंका जी का रुख करते हैं। आपकी जो ये प्रवक्ता जो कैसा कह रही हैं कि मैंने मैंने देखा होगा, तो मैं अपना खुद का वाक्य बताना चाहूंगी। बीजेपी का एक मंत्री है
जो मेरी खुद की माइनिंग्स पे कब्जा किए है, उसने बाजू से जमीन ले रखी है और वो अपने में ना उत्खनन करके मेरे में करता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और वो बीजेपी का एक बहुत माननीय आप कहेंगे मंत्री है और ऐसे लोगों को वो सरकार में रखते हैं। ये मध्य प्रदेश का वाक्य है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और पूरा प्रशासन उसके इतने कंट्रोल में है और ये होता है कि अगर मैं उसे डालती हूँ, रिवेन्यू मिनिस्टर है वो, अगर मैं वहां पे कंप्लेन करती हूँ तो वो उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। हर तरीके से उसे समर्थन है और प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जी वेदभूषण जी, मैं आपका रुख करूँ, उससे पहले प्रियंका जी सवाल ये कि अगर पुलिस भी सुरक्षित नहीं है तो फिर एक सब कुछ राम भरोसे ही चल रहा है क्या, भगवान भरोसे ही चल रहा है क्या? एक्चुअली नेहा जी, जो आप पॉइंट यहाँ पर डाल रही है ना, वो बहुत वैलिड पॉइंट है और मैं इस पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करना चाहूंगी कि लीडरशिप, मतलब मैं खुद नोएडा में रहती हूँ तो यूपी में माननीय योगी जी के आने के बाद जो हमने बदलाव देखा है इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस, मतलब मैं बार बार कहती हूँ कि लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है। ये कह देना कि अब ये वारदातें नहीं होंगी, आपने बिल्कुल सही कहा नेहा जी, आई थिंक वो खौफ जो है वो खौफ मिसिंग है। एक अपराधी अगर आज ये खौफ कर रहा है, और ये दूसरा इंसिडेंट है एक सोनीपत को और आज ये दूसरा इंसिडेंट है, तो इससे हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल लीडरशिप पर है, जो लोग इस राज्य को चला रहे हैं उन पर है कि आपके राज्य में आपके होते हुए ये खौफ, और अगर पुलिस सुरक्षित नहीं है, आपने बहुत बड़ी बात की, अगर पुलिस सुरक्षित नहीं है और उनके साथ ये वारदातें हो रही, तो सामाजिक तौर पर अगर मैं फिर अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करूंगी? तो उस मद्देनजर रखते हुए आई थिंक लीडरशिप का बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हरियाणा से ज्यादा नोटोरियस स्टेट यूपी रहा है हमारे लिए, और यूपी में अगर हम बदलाव देख पाए, यूपी में अगर हम देख पाए कि पिछले सालों में कितना बदलाव आए इन टर्म्स ऑफ गुंडों को आप देख लीजिए, इंसिडेंट्स जो एक टाइम पे यूपी में होते थे उनका आप एग्जाम्पल देख लीजिए, तो ये बहुत बड़ा सवाल लीडरशिप पे है। और इस पे एक्चुअली में पूनम जी मैम जो है अभी जो रिप्रेजेंट कर रही है बीजेपी को, आई थिंक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन आपको एज अ गवर्नेंस लेना पड़ेगा कि ऐसी खौफनाक हादसाएं, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर पर एक गाड़ी चलाने का, डंपर चलाने का आप साहस सोच सकती हैं, अगर वो डंपर चलाने वाला ये कर सकता है तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग से ये खौफ बिल्कुल ही निकल चुका है कि इस कार्रवाई से उसको शायद। दूसरी बात ये है मैम कि अगर डंपर चलाने वाले ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है तो किसके आदेश पर दिया है? वो जो वो शख्स है उसका तो नाम अभी तक सामने नहीं आ रहा, और ऐसा नहीं है कि ये तो सिर्फ छोटी मछलियां हैं, वो बड़ी मछलियों तक हाथ कैसे पहुंचेगा? पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर मैं आपसे समझना चाहूंगी जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले प्रियंका जी कर रही थी, कहती थी कि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है और उत्तर प्रदेश में हमने वो बदलाव देखे हैं। देखिए किसी सरकार की आलोचना करने की बात नहीं है, बात आज इसलिए हो रही है, इसलिए कंपैरिजन किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार गठबंधन से हरियाणा में भी चल रही है, लेकिन यहाँ किसी सरकार की आलोचना करने की बात नहीं है, बल्कि हम पुलिस प्रशासन और साथ ही गुंडों का किस तरह से हौसला बुलंद है, खनन माफियाओं का किस तरह से हौसला बुलंद है, उनकी बात कर रहे हैं। वेदभूषण जी, सरकार का कितना बड़ा रोल रहता है, पॉलिटिशियंस का कितना बड़ा गठजोड़ रहता है ऐसे मामलों पर? नेहा जी, पुलिस और सरकार इस्तकबाल से चलती हैं, अपने दबदबे के साथ चलती हैं। अभी आपने यूपी और हरियाणा का नाम लिया, दोनों में बीजेपी की सरकार है, दोनों बॉर्डरिंग स्टेट हैं। परंतु यदि आप, मैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के साथ यूपी का एक नागरिक भी हूँ, यदि आज आप यूपी के किसी गांव में भी जाएं, एक आम महिला से पूछें, जो अनपढ़ महिला हो, कानून को पॉलिटिशियंस को ना समझती हो, वो भी कहेगी कि आज की डेट में बड़ा अमन शांति है, मैं अपने गांव से खेत पर जा सकती हूँ, अपने शहर में कस्बे में शॉपिंग के लिए जा सकती हूँ। ये एक मैसेज है जो आम आदमी एक देता है। आपको याद होगा किस तरह से बुलडोजर को लेकर यूपी के अंदर बुलडोजर बाबा तमाम तरह से क्रिटिसाइज किया, कुछ भी रहा हो, परंतु आज की डेट में वहाँ एक मैसेज गया है कि यदि यूपी के अंदर गुंडागर्दी या इस तरह के माफियागिरी करे कोई,
तो आपके घर को तोड़ के नहीं नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। यदि इस तरह का मैसेज यदि दूसरे स्टेट भी फॉलो करें, और बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरह से क्लीन चिट दे दी, अभी आपको याद होगा। तो ऐसा नहीं कि यूपी में कोई इलीगल काम किया गया था, जरूरत है सरकार को साहसी होने की और एक मैसेज देने की। यदि एक थाने के अंदर ईमानदार एसएचओ और मेहनती एसएचओ या एसएसपी आ जाए तो पूरे जिले के अंदर मैसेज जाता है कि इस जिले के अंदर, इस थाने के अंदर क्राइम यदि करोगे तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, सड़क सरेआम पर उसको पीटा जाएगा क्रिमिनल को, उसका हिसाब किताब दिया जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता आज के टाइम में आप चौक पे खड़ा होकर पीटना लोगों, परंतु सरकार का एक मैसेज जाना चाहिए, जो शायद हरियाणा में जो बार बार एक मैसेज इस तरह का आ रहा है कि शायद वहाँ उतना स्ट्रॉन्ग मैसेज सरकार अभी तक नहीं दे पाई है। ठीक है शबनम जी, ये साहस जिसका जिक्र अभी वेद भूषण जी कर रहे हैं, ये साहस दरअसल वहाँ पर हरियाणा में, खासतौर पर मैं बात कर रही हूँ, हरियाणा में खनन माफियाओं के अंदर तो दिखाई दे रहा है, जो अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं, गुंडे माफियाओं के अंदर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार के अंदर क्या वो साहस विलुप्त हो गया है, कहीं चला गया है क्या? क्या वजह है कि वो साहस कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा सरकार का? नेहा जी, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि सरकार बहुत कड़ी कदम उन लोगों के अगेंस्ट उठाएगी। अगर उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में देखा जाए तो जब विकास दुबे ने जो हिमाकत की थी पुलिस अधिकारियों पे अपने गुंडागर्दी दिखाने की, तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कार्रवाई की, चाहे वो माफिया हो, अवैध कब्जा करने वाले हो, कोई भी भ्रष्टाचारी हो। ठीक यही काम जब अभी पुलिस वालों पे कार्रवाई, इन्होंने गुंडागर्दी करके उनकी हत्या की है, ऐसे भ्रष्टाचारियों पे वहां की सरकार कार्रवाई करेगी और त्वरित कार्रवाई करेगी। आज निश्चित तौर पे बुलडोजर बाबा करके ये विपक्षी पार्टियां मजाक उड़ाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ते हैं लोग कि इनको रोका जाए, लेकिन यही कार्रवाई हरियाणा में आपको जल्दी दिखेगी। ठीक है शबनम, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां कहीं भी है वो पूरी तरीके से अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है, और ये नेतृत्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि कहीं भी अपराध को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मैं पूरी तरीके से आश्वस्त करती हूँ कि हरियाणा में भी जिन लोगों ने ये हिमाकत की है उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, और दोबारा इस तरीके की दुर्घटना करने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। नहीं, अगर अगर ये यही कदम और यही साहस जो आप बता रहे हैं ये पहले दिखाया गया होता तो शायद ये वारदात होती नहीं। इससे पहले भी तो कई मामले सामने आ चुके हैं, ये कोई पहला मामला नहीं है शबनम जी। क्योंकि नेहा जी, पूर्ववर्ती सरकार से घटनाएं कम हुई है, लेकिन सरकार पूरी तरीके से, सरकार का इकबाल है, जो भ्रष्टाचारी है वो उनसे डरते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई घटना होती है तो सरकार को निश्चित तौर पे और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। इसकी पहली पूर्ववर्ती सरकारों का नाम लेकर ये अपनी जिम्मेदारियों से तीक्ष्ण करने वाली बात होगी। जैसे अगर किसी भी कानून व्यवस्था को हम बेहतर है या बुरा है तो वो हम उस पहले की सरकार और अब की सरकार की तुलना करके ही किसी बात को आ सकते हैं। दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर अभी हाल ही में बने हुए मुख्यमंत्री तो नहीं है शबनम जी, हाल ही में बने हुए तो मुख्यमंत्री नहीं है क्या? अगर वो मुख्यमंत्री बने हैं, हम बनते ही उनसे जवाब लें, ऐसा तो नहीं है। दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, कई सालों से सत्ता पर काबिज है, अब उनको जवाब देना पड़ेगा। वो जवाब देंगे कि अगर ये कानून व्यवस्था खराब है और खनन माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हो रहे हैं तो उसके पीछे की वजह क्या है? जय जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं आगे गेस करती हूँ। मैं शबनम जी से पूछना चाहूंगी, जिस तरीके से ये बयान दे रही है, क्या वहाँ पे दूसरी पार्टी की सरकार है? आफ्टर ऑल बीजेपी है और एक काफी एक्सपीरियंस लीडर है, तो ये जो अव्यवस्थाएं क्यों है, और अगर वो स्टेट को नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनका जो है इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, मैं ये जानना चाहूंगी। जी शबनम जी, मैं बात को जानना चाहती हूँ, गहलोत जी ने कितनी बार इस्तीफा दिया, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कितनी बार इस्तीफा दिया। देखिए, बार बार पर विपक्षी पार्टियां इस्तीफा मांगती हैं, अगर कहीं दंगा होता है तो मुख्यमंत्री का कॉलर पकड़ती है, लेकिन जब इनकी सरकार होती है बॉम्ब ब्लास्ट से लेके दंगा एक रेगुलर फीचर बन जाता उस स्टेट का, और देश का भी इंफेक्ट हो गया था रेगुलर फीचर की, जब देखो किसी शहर में बॉम्ब ब्लास्ट होता था। कितनी बार उस वक्त के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, हम इस्तीफा देने से ज्यादा इस बात पर भरोसा रखते हैं कि इन भ्रष्टाचारियों के खात्मा करने के लिए, इसलिए उस पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। कड़ी कार्रवाई का क्या मतलब होता है, मैम मुझे ये समझा दीजिए। आज कड़ी कार्रवाई होगी, आपकी पार्टी है, आपकी सरकार है, तो निश्चित तौर पर होगी। मैं इसलिए आश्वस्त कर रही हूँ
कि हमारी पार्टी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं करती। अगर कोई अपनी पार्टी से भी इसमें शरीक हो उस पर भी कार्रवाई हो, कोई ताकतवर हो, कोई संरक्षण देता हो, कोई कमजोर हो, कोई पैसे वाला हो, ये बगैर देखे हमारी पार्टी कार्रवाई करती है। इसलिए इससे आप संतुष्ट नहीं, नहीं, बड़ी कार्रवाई और बड़ी कार्रवाई का क्या मापदंड है मुझे समझाने की कोशिश करें। क्योंकि डंपर के चालक और क्लीनर को अगर आप अरेस्ट भी कर लेते हैं दोनों को, हालांकि एक को भी अरेस्ट किया गया, एक को गिरफ्तार किया गया, मैं कह रही हूँ अगर दोनों को भी आप गिरफ्तार कर लेते हैं तो क्या अवैध खनन पर लगाम लगाई जा सकेगी? क्या डीएसपी जिन जो शहीद हो गए, जो शहीद का दर्जा आप देने की बात कर रहे हैं, उनके परिवार को संतुष्टि मिल पाएगी क्या? आप मुझे ये बताइए क्या इस बात को मैं पूरी तरीके से मानती हूँ कि जिसकी जान गई है, जिसने जो शहीद हुए हैं उनके परिवार की क्षति की पूर्ति किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। चाहे हम किसी भी तरीके की मदद भी करते तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि उसको श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इस कांड में, इस दुर्घटना में ऊपर से नीचे जो लोग भी लिप्त हैं सरकार उसकी जांच करके कार्रवाई करे। और किसी बड़ी मछली हो या छोटी मछली हो, मछली पकड़ने पर केवल सरकार का ध्यान होना चाहिए। और ये मैं पूरी तरीके से निश्चिंता आपको देती हूँ कि सरकार किसी को बख्शेगी नहीं, ड्राइवर और क्लीनर नहीं। वो किसके ड्राइवर थे, किसके क्लीनर थे, किनके कहने पे ये किया गया, ये सारी चीजों का सरकार संज्ञान लेगी, जांच करेगी और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करेगी। ठीक है वेद भूषण जी, क्या वाकई पारदर्शिता दिखाई दे रही है? क्योंकि अभी तक तो नाम भी सामने नहीं आया कि खनन पट्टा किसका था, ये अवैध तरीके से अगर अंजाम दिया जा रहा था तो क्यों अंजाम दिया जा रहा था, किसके इशारों पर दिया जा रहा था और कब से दिया जा रहा था, कौन था मुख्य व्यक्ति जिसके इशारों पर पूरा काम चल रहा था, अभी तक तो नाम भी सामने नहीं आया। सर पारदर्शिता है क्या? नेहा, ये गठजोड़ इतना मजबूत होता है कि ये फेविकोल से भी ज्यादा मजबूत होता है। इसको तोड़ना, इसको इस सरकार यदि चाहेगी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहेगी तो तमाम कॉल डिटेल्स जो उस डंपर चलाने वाले हैं, जो बाकी लोग थे उनसे कनेक्ट होते हैं, जो भी इसके अंदर जद के अंदर आएंगे, इतना बढ़िया एक मौका है बाकी पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए, उनको सबको एक्सपोज करे, ना केवल जिन्होंने उनको मारा है उनको एक्सपोज करे, बल्कि तमाम जो संगठित जो ग्रोह था जिसको इसका बेनिफिट जा रहा था, क्योंकि ये मर्डर इसलिए किया जाता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसका बेनिफिशियरी होता है। उसका बेनिफिशियरी केवल एक डंपर चलाने वाला नहीं हो सकता, उसका बेनिफिशियरी कहीं और बैठा हुआ है, जो कि हो सकता है बहुत मजबूत पॉलिटिशियन हो, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो या बहुत बड़ा क्रिमिनल हो। क्योंकि आपको याद होगा कि हरियाणा आजकल धीरे धीरे क्रिमिनल का एक बहुत बड़ा अड्डा बनता जा रहा है, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, सुशील पहलवान हो, वहाँ तमाम क्रिमिनल्स आज की डेट में इकट्ठे हो रहे हैं। रोहतक, सोनीपत आज की डेट में मशहूर हो चुका है कि क्रिमिनल्स का वहाँ किस तरह से राज्य चलता है, प्रॉपर्टीज के मामले में, अब माफिया का जो आपने जो अब देखा है, मेवात में आपने देखा है किस तरह से वहाँ पर एक्टिव है वहाँ पर इस टाइम क्रिमिनल्स। तो एक मैसेज देने की जरूरत है, चाहे विकास दुबे के तर्ज पर, चाहे कोई ना कोई एनकाउंटर भी करना पड़े, मैं तो इस लिमिट तक जाने के लिए तैयार हूँ, जिससे कि एक मैसेज जाए, खौफ पैदा हो कि यदि आपने किसी डीएसपी पर, क्योंकि ये माना जाता है पुलिस जो है सरकार का एक प्रतिबिंब है, एक प्रतीक है, यदि आपने उसी प्रतीक के ऊपर अटैक कर दिया तो सरकार तो बिखर जाएगी, प्रशासन खत्म हो जाएगा। और इस तरह से जो क्रिमिनल्स का, चाहे लॉरेंस बिश्नोई जेल से ऑपरेट कर रहे हैं या रोहतक और सोनीपत में तमाम गैंग्स जो कुकर मुद्दे की तरह निकल आए हैं, उनको मैसेज देने का एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का एक तरीका है, चाहे कानून की छोटी मोटी परिधि से भी निकाला जाए तो सुप्रीम कोर्ट, तमाम कोर्ट जो है तमाम एनालाइज करती है, ऐसा नहीं कि पुलिस अधिकारियों को उन्होंने हैंग कर दिया हो। तो ये जरूरत है कि सरकार एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे, चाहे रहता है या नहीं रहता ऐसे केसेस में, जब ये तय होता है कि देखिए पॉलिटिशियन के गठजोड़ के बिना ऐसा संभव नहीं है कि अवैध खनन को अंजाम दिया जा रहा हो, और ऐसे में जब डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया गया, चालक क्लीनर में से किसी एक को गिरफ्तार कर लिया गया, वहां तक हाथ नहीं पहुंच पा रहा पुलिस का जो मुख्य व्यक्ति है, पुलिस पर दबाव रहता है या नहीं रहता? सर बिल्कुल रहता है, और चोली वो कहते हैं ना, सबके दाग कहीं ना कहीं छिपे हैं, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी है, कहीं ना कहीं इन तमाम के नेता कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों में लिप्त रहे हैं। तमाम जब पावर में होते हैं या दूसरा विपक्ष में होता है
तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनको कहीं ना कहीं बचाते हैं, सेव करते हैं। तो ये बिल्कुल एक्सपोज होना चाहिए, जो गठजोड़ पॉलिटिशियंस का मैंने शुरू में बोला है, जो खाकी और खादी, खाकी पर भी एलिगेशन लगे कि खाकी ने उनको प्रोटेक्शन दी है इस तरह के माफियाज को, जिसका अंजाम आज डीएसपी साहब को अपनी जान गंवा कर देना पड़ा है। तो सभी पक्षों की जिम्मेदारी है, चाहे वो खाकी है चाहे खादी है, उनको एक्सपोज करना अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जिम्मेदारी है कि बिना डर के वहाँ की जो पुलिस है, हरियाणा पुलिस, उनको सबको पब्लिक के सामने लाए, उनको हैंग करे, उनका ट्रायल हो, ताकि समाज में दोबारा इस तरह का हरियाणा के अंदर एक कोई इंसिडेंट ना हो सके। ठीक है शबनम जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए ये पूर्व आईपीएस रहे हुए हैं, उन्हें मालूम है कि अगर किसी भी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन होता है पूरी तरीके से तथ्यों को जानने के लिए उसमें समय लगता है, लेकिन त्वरित भाव से वहाँ की सरकार इस काम को करेगी। और ये भी आश्वासन देती हूँ कि आपने अभी तक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की ही सरकार हो, ऐसे तमाम गठजोड़ जो कि फेविकोल के जोड़ से मजबूत है, उन जोड़ों को हमने डाइल्यूट करके उन्हें सेपरेट किया है, इस बात का आश्वासन। और उदाहरण में कोई एग्जांपल नहीं मिला ना, ऐसा हरियाणा में कोई एग्जांपल नहीं मिला जिसको ये आगे रख के कहा जा सकता है कि देखिए अपराधियों पर इस तरह से लगाम लगाई जाती है, या फिर हरियाणा सरकार अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए इस तरह से कदम उठा रही है। प्रियंका जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ, एक मैसेज देने की जरूरत है क्या, जिस बात का जिक्र अभी वेदभूषण जी भी कर रहे थे कि एक सख्त मैसेज जाना चाहिए अपराधियों में, उन आरोपियों में। आई थिंक वेदभूषण सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको बताया है कि जब तक खाकी और खादी एक नहीं होंगे और एक दूसरे को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे और गलत को गलत नहीं मानेंगे और सही को सही नहीं बताएंगे, तब तक वो बदलाव किसी भी समाज में नहीं आ सकता। जी जी राइट। तो हमने अगर ये बदलाव उत्तर प्रदेश में देखा है, वो इसीलिए पॉसिबली देख पाए हैं कि खाकी और खादी एक साथ होकर एक ही मकसद की तरफ काम कर रहे हैं। तो आई थिंक बेदसर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोला है कि इसमें पूरा नेक्सस है, और ये नेक्सस हर एक जने को पता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज कुछ ऐसे नए नाम उभर के आएंगे, जब हम छानबीन करेंगे तो वही पुराने नाम आएंगे। यहाँ तक पता होगा, अभी अगर लिस्ट आप देखें तो इन सबको पता होगा कि वो डंपर था किसका, वो खनन जहाँ पे वो हो रहा था वो है किसका, उससे कौन से मंत्री जुड़े हुए हैं, उससे कौन से पुलिस ऑफिसर जुड़े हुए हैं। तो ये तो मुझे लगता है हर एक इंसान का जो पोजीशन पे होते हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो चाहे वो मंत्रीगण हो, सबको सब कुछ पता होता है। बट यस, क्या हम लीडरशिप पोजीशन पे, मैं फिर से वही बात कहूंगी, क्या हम लीडरशिप पोजीशन पे इस बात को एक मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि जैसे वेस्टर ने बोला कि पुलिस पर हाथ डालना, एक पुलिस के ऊपर, वो भी ऐसे सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर हाथ डालना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप एक तरीके से सरकार पर ही हमला कर रहे हो, बिकॉज ये आप ही का शैडोज होते हैं। तो क्या हरियाणा सरकार इस बात के लिए तैयार है कि वो इसका एक एग्जाम्पल बनाएगी, इसके जो हम डिसीजन लेंगे, जो हम जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार करेंगे और सजा देंगे, और चाहे वो सजा कितना भी खौफनाक क्यों ना हो, क्या हम इस बात के लिए राजी हैं एज अ सरकार, एज अ गवर्नेंस, कि हम वो एक्शन लेंगे? तो मैं फिर देखना चाहूंगी कि मैम वो तो पता चल ही जाएगा, मतलब पूनम मैम हम न्यूज से ही पता कर लेंगे कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन है और किस तरीके से सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है। मैं उसी बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए वेदभूषण जी आपका मैं सीधा रुख करना चाहती हूँ, क्योंकि बात जब पुलिस अधिकारियों की है तो ये जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सर, कि अगर इस तरह के जब मामले सामने आते हैं ये पुलिस अधिकारियों के मनोबल को कितना तोड़ते हैं। अगर ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह अवैध खनन का मामला सामने आया है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग अवैध खनन हो रहे हैं, लेकिन क्या अब ऐसे में अगर पुलिस अधिकारियों पर हमला किया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा, तो एक मनोबल टूटता है क्या अधिकारियों का, और ऐसे मामलों में वो आगे जाने से आगे बढ़ने से परहेज करेंगे क्या? नेहा जी, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, तमाम को एक मैसेज देने की जरूरत होती है ऐसे मौकों पर। केवल एक मर्डर केस में उनको अरेस्ट करके उनका ट्रायल करना सफिशिएंट नहीं होता। आपको याद होगा तारीख पर तारीख
निर्भया को 14 साल लग गए उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए, और मैं आपको सैकड़ों बड़े केस जो नेशनल लेवल के केस थे आपको बताऊंगा, सालों 10-10 साल लग गए उन केस को पहुंचाने के लिए, उससे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मैसेज नहीं पहुंचाया जा सकता। हैदराबाद में आपने देखा एनकाउंटर हुआ रेपिस्ट का, पूरे हिंदुस्तान ने उनको अपने कंधों पर आंखों पर बैठा कर रखा। विकास दुबे का केस हुआ, अभी मैडम शबनम बता रही थी, उनका नाम ले रही थी, किस तरह एक यूपी पुलिस के अंदर मैसेज गया, किस तरह से एक मैसेज गया कि पुलिस यदि आप किसी पर इस तरह से करोगे तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो जब तक इस तरह का स्ट्रॉन्ग मैसेज सरकारें नहीं दे पाएंगी, चाहे वो हरियाणा हो और दूसरे स्टेट हो, तब तक ये, मैं तो इसको लीपापोती मानता हूं कि आप रूटीन में अरेस्ट करें, उनको जेल भेज दें, ट्रायल हो, उसके बाद आप भी इस पर डिबेट नहीं करेंगे, मैं भी इस पर डिबेट नहीं करूंगा। हो सकता है 10-15 साल बाद उसका कोई नतीजा आए, बरी हो जाए या सजा हो जाए, शायद बात करने वाला भी उस विषय पर ना हो, परंतु चूंकि तत्काल जरूरत है सरकार का इस्तकबाल हरियाणा में ऊंचा रहे, एक मैसेज जाए कि हाँ यदि हरियाणा के अंदर यदि किसी भू माफिया ने इस तरह से पुलिस पर या सरकार की किसी एजेंसी के ऊपर, ठीक है सर, लेकिन लेकिन इसका दूसरा पहलू भी हमें समझना होगा, इसका दूसरा पहलू भी हमें देखना होगा। शबनम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए अगर पुलिस संरक्षण ना दे तो क्या इनका कहीं ना कहीं हौसला जो है वो इतना बुलंद हो सकता है क्या? खाकी क्या पहले संरक्षण देती है, उसके बाद जब इन पे लगाम लगाने की कोशिश करती है तो ये हाथ नहीं आते? चाहे खाकी हो या खादी हो या कई और अन्य हो, उस पर मैं आरोप नहीं लगा सकती, पर इतना जरूर बता सकती हूँ कि मजबूत इच्छा शक्ति ऐसे भ्रष्टाचारियों को खत्म करने के लिए काफी है। अगर हमारे आईपीएस अधिकारी कहते हैं कि बगैर ट्रायल के उन्हें पनिशमेंट दे देने का, निश्चित तौर पे अगर साउथ में एक घटना घटी पर उसको हम समाज में उदाहरण, एक अच्छे उदाहरण की तरह पेश नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में कानून का देश है, ये कानून का राज है, और हमें वो ट्रायल पे जाना होगा। कोर्ट को निश्चित तौर पे ट्रायल पीरियड को जल्दी से जल्दी खत्म करके उसे सजा देनी चाहिए, ताकि जनता के बीच एक मजबूत मैसेज जाए। लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करना ही पड़ेगा। अभी भले ही ऐसे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए या ये मांग की जाए, बिल्कुल दाढ़ी है, डबल है, उसको पहचान लिया गया है वो किसका है, और अब देखिए जांच तेजी से बढ़ेगी और निश्चित तौर पे कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहेगी कि सरकार के नाक के नीचे इस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों को, चाहे वो पुलिस के हो या किसी अन्य, किसी पे इस तरीके की दुर्घटना हो, सरकार निश्चित तौर पे चिंतित है और सरकार उस पर कार्रवाई करने के लिए सख्त उन्होंने बयान भी दिए हैं। ठीक है जय जी, सरकार निश्चित तौर पे चिंतित है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, आश्वस्त किया जा रहा है कि जो भी आरोपी होगा उनको पकड़ा तो जाएगा ही, साथ ही साथ एक आरोपी को पकड़ भी लिया गया है, और जो भी इसके खिलाफ, जो भी इसमें लिप्त था, जिसने भी, जिसके भी आदेश पर ये पूरा कारनामा हुआ, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जय जी जी, मुझे लगता है कि जय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, कैन यू हियर मी नाउ? रखिए अपनी बात। इसमें पॉलिटिशियन अगर इन्वॉल्व नहीं होता तो मुझे नहीं लगता एक डंपर ड्राइवर की हिम्मत हो सकती है कि उसके अधिकारी गाड़ी चला दे। उसे कहीं ना कहीं श्योर था कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो निश्चित रूप से मेरे आका मुझे बता लेंगे, और जैसा कि मैडम ने अभी बताया कि फास्ट ट्रैक और जो कोर्ट के मामले होते हैं तो उसका किस तरीके से यूज हो रहा है इंडिया में, तो मैं आप जानती होंगी हमारी कोर्ट पेंडिंग है, मतलब इंसान मर जाता है तब उसका जो है मुआवजा मिल पाता है, क्योंकि मैं आए देख रही हूँ ये चीज, तो मुझे नहीं इस चीज को कवर करने वाली बात है। आखिर ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं, आपको इस पे लगाम लगाना चाहिए, होने के बाद उसे कोर्ट में जाना या फास्ट ट्रैक पर डालना, ये अर्थ नहीं हो। तो डर इस तरह की घटनाएं वहां घटे ना, आखिर जो जिंदगी गई है पुलिस ऑफिसर की, क्या वो इनकी सजा भी हो जाती है, क्या उस परिवार की, उनके परिवार का व्यक्ति वापस मिल सकता है? मुझे नहीं पता है। तो मुझे प्रशासन को थोड़ा सा ट्रिक होना चाहिए और थोड़ा रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अगर काम करे, पब्लिक में डर रहे जितने भी माफिया हैं, अगर उन्हें ये डर रहे कि मैं अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मुझे कार्रवाई होगी, तब ये चीजें रुक पाएंगी।
ठीक है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप प्रियंका जी इनकी बातों से? ये कह रहे हैं कि ऐसे मामले आए ही क्यों सामने जिनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में या फिर इन पे तुरंत या त्वरित एक्शन हो, ऐसे मामलों पर ही रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल नेहा जी, आई थिंक बहुत सही कहा उन्होंने, और वो तभी पॉसिबल है जब आप वो मैसेज समाज में देंगे। आई थिंक वेद सर ने बहुत अच्छा बोला कि और हमें 10-15 दिन में ये डायरेक्शन, इस केस का डायरेक्शन दिख जाएगा कि कितने स्पीड से हम लोगों को सामने ला रहे हैं, कितने स्पीड से हम उन पोजीशन में जो लोग हैं, चाहे वो पुलिस में हो सकते हैं, चाहे वो खादी में हो सकते हैं, चाहे वो बिजनेस में हो सकते हैं, तो कितने फास्टली उनको गिरफ्तार करने हैं और उनको बेनकाब करने हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मैं कहीं ना कहीं मैम की बातों से सहमत भी हूँ कि हमें उस तरह के समाज का निर्माण करना है। इंसिडेंट तब पे रोक तभी लगेगा। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं तो मैं बहुत इससे बोल सकती हूँ कि इंसिडेंट पे रोक तभी लगेगा जब हम उस तरह के समाज का निर्माण के डायरेक्शन में काम करें। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस बार की ओनरशिप लेनी पड़ेगी और सामने आकर ये इंश्योर करना पड़ेगा, चाहे आप डर से कीजिए, चाहे आप पनिशमेंट से कीजिए, आप कैसे भी कीजिए, मगर एक क्लीन एनवायरमेंट, एक बेहतरीन समाज बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। और उसको आप तभी बना पाएंगे जब आप जो लोग गलत काम करते हैं उनको ये मैसेज दे पाए कि ऐसा करने पर तुम्हें बख्शा नहीं जाए। ठीक है वेदभूषण जी, आप क्योंकि मैंने कहा कि इसका दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, लेकिन क्या अगर आरोपियों की तरफ से या फिर खनन माफियाओं की तरफ से एक डंपर चालक की तरफ से अगर डंपर को चढ़ा दिया जाता है डीएसपी पर, इसके साथ साथ सवाल ये भी है कि सर क्या वाकई डीएसपी से चूक हुई क्या? किस तरह से जाया जाता है, कितनी फोर्स होती है अगर इस तरह की छापेमारी होती है, और किस तरह की तैयारियां होती है? इससे पहले भी क्योंकि कई बार रेड की जा चुकी है, कैसे तैयारी होती है, कितनी फोर्स के साथ जाया जाता है, और क्या ये इतना आसान है कि किसी डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया जाए? बिल्कुल नेहा, उसमें पूरी तैयारी के साथ डीएसपी साहब की, मुझे नहीं पता कितनी फोर्स उनके साथ थी, परंतु मैं आपका जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हरियाणा वो स्टेट है जहाँ भर्ती के नाम पर वहाँ के सीएम साहब जेल में गए 10 साल, वहाँ एक टीचर और सिपाही की भर्ती किस तरह से गठजोड़ के साथ पैसे के द्वारा होती है। सीएम को एक दिन जेल में रखना बहुत मुश्किल होता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, सीएम साल को 10 साल की सजा हुई थी, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा 10 साल उनको, एक सीएम से छोड़ो एक एमएलए को एक दिन जेल में रखना मुश्किल काम होता है। तो वहाँ के किस तरह के हालात हरियाणा के अंदर रिक्रूटमेंट से लेकर और आज की पुलिसिंग तक रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस तरफ है। तो जहाँ ऐसे हालात के अंदर वहाँ प्रशासन चलता रहा हो, अब किसी की गवर्नमेंट हो, बीजेपी की हो या पहले कांग्रेस की रही, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही है हरियाणा के सारे सिस्टम को। इस सिस्टम को सुधार करने की जरूरत है। अभी तो एक डीएसपी मरा है, हो सकता है इससे बड़े हादसे और हो सकते हैं, उनको रोकने की जरूरत है। अगर अगर डंपर चढ़ा दिया जाता है डीएसपी पर और डंपर चालक वहां से क्लीनर फरार हो जाता है, अगर आप पुलिस फोर्स के साथ गए हैं और पूरी फोर्स के साथ गए हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि वहां से वो फरार हो जाए? देखिए वहाँ पर पुलिस के पास में तमाम हथियार, तमाम तरह के वेपन्स होते हैं। यदि उनको इस तरह का एप्रिहेंशन था तो उनको पूरी लिबर्टी थी कि अपनी सेल्फ डिफेंस के अंदर वो यूज कर सकते, परंतु वहाँ पर क्या परिस्थिति थी, नहीं थी ना, मैं मौके पर था ना आप मौके पर थी, वो तो इन्वेस्टिगेशन में तमाम चीजें क्लियर हो पाएंगी कि किन हालातों में उनके ऊपर डंपर चढ़ाया गया, कितने पुलिस अधिकारी उनके साथ थे, क्या उन्होंने अपनी जो स्वयं की रक्षा का जो अधिकार था उसका कहां तक इस्तेमाल किया नहीं किया, ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं है। ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन की चीज है। पूरी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जब चार्जशीट आएगी तब पता लगेगा व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है जय जी, क्या जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्या इसकी स्पीड ठीक है? अगर हम इसके रफ्तार की बात करें, क्योंकि अभी तक एक 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 व्यक्ति को कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है, बाकी किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो क्या ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई क्या लगता है आपको हो रही है या होनी चाहिए? जी मुझे नहीं लगता हो रही है, एक स्टेम गवर्नमेंट है, क्या चलिए। शबनम जी, अभी आपने जया जी को सुना, उन्होंने ये तो कहा देखिए कि त्वरित कार्रवाई नहीं हो रही है, और जो कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ एक डंपर चालक को अगर आप गिरफ्तार कर लेते हैं
तो ये कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं कही जाती, अभी तक नाम क्यों नहीं सामने आया, क्या वजह आप इसके पीछे मानती हैं? देखिए, पुलिस अगर तहकीकात कर रही है तो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में तुरंत नहीं डालेगी जब तक कि उनके सारे लोग पकड़े ना जाएं, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो पब्लिक डोमेन में डालने की नहीं है, ये हमारे आईपीएस अधिकारी निश्चित तौर पे आपको बताएंगे भी। लेकिन इतना जरूर भरोसा दिलाती हूँ कि इस तरह की कार्रवाई करने वाले लोग जो दुर्घटना करते हैं इस तरीके की, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और जहाँ तक अभी हमारी दोनों महिला साथियों ने कहा कि हाँ समाज को सुधरना होगा, इस बात से हम सभी इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कैसा भी समाज हो, राम राज्य के समय भी बंदी गृह हुआ करता था, इससे हम आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज में जीरो क्राइम कभी नहीं हो सकता, लेकिन क्राइम कम हो सकता है, इसका उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारों ने दिया है। उन्होंने ये कहा समाज को सुधरना होगा, लेकिन सरकार को भी कड़ा संदेश देना होगा, ये भी कहा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से भी कड़ा संदेश होगा और हालात हरियाणा के कुछ हद तक बेहतर होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। We'll be right back.